जी अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? सो वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग। बड़े दिनों बाद इन रमजान, और रमजान है तो व्लॉग जो है रमजान से रिलेटेड होना चाहिए। और रमजान के अंदर हम करने जा रहे हैं आज सहरी, और सहरी हम करने जा रहे हैं कहाँ पे? दिशान भाई हमारे साथ हैं। दिशान भाई आपको बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं नमक मंडी, और ये है क्रीम ब्लॉक में। फर्स्ट टाइम हम ट्राई करने जा रहे हैं, ठीक है? तो देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा। हमें हमारे साथ हैं बाबू भाई, अस्सलाम वालेकुम, निशान भाई और मैं, और एक और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं अंबड़ भाई, उमर भाई। उमर भाई यार, नाम तो ना बिगाड़ो यार, रमजान है, नाम की बिगाड़ो यार। बस ठीक हो गया। तो हम जो है हम जा रहे हैं उस साइड को, और उमर भाई घर से पहुंच रहे हैं। हम दिशान भाई को लिया हमने, और दिशान भाई किस तरफ ही हमारा रात को स्टे होगा, खैर ये तो बताने वाली बात नहीं थी, लेकिन बता दिया अब क्या कह सकते हैं। लेकिन अभी हम जा रहे हैं नमक मंडी, और आपको वहां पे चल के मिलते हैं, और खाने का रिव्यू भी देंगे, बताएंगे, और उसके बाद सैरी करने के बाद का क्या सीन है वो भी देखते हैं। तो अभी हम पहुँचे नमक मंडी, तो पहुँचते हैं आपको और वहाँ पर चल के मिलते हैं। तो हमारे उमर भाई भी माशाल्लाह ऑलरेडी यहाँ पहुँच गए। उमर भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं यार? उमर भाई मुझे सिटिंग कुछ खासम खास अच्छी तो आपको कहा था, देख लो यही बात की है ना। मैंने तो से निकले से पहले भी यही कहा यार, लेकिन ना मुझे फैसल टाउन भी ऐसा लग रहा है कि कोई खासम खास सिटिंग नहीं है। बेटा मेरा, मुझे किसी ने कहा था जायका बहुत मजे का, बूटीज बॉय आशिर। अच्छा, उससे पूछता हूं फैसल टाउन की सिटिंग कैसी। पूछो पूछो पूछो, अगर फोन उठा ले तो जी हम पहुंच चुके हैं इस वक्त एक पाल टाउन क्रीम ब्लॉक के बिल्कुल ऑपोजिट, तंदूरी चस्का और नमक मंडी, दोनों एक ही हैं बट डिफरेंट नेम्स के साथ है। तो जी बाकी आपको विज़िट करवाते हैं इनके किचन का। ये तैयार हो रहा है इनका चीज़ नान, जो कि बहुत ही लजीज था। मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ इसको किस तरह इसके अंदर से लेयर्स निकलती हुई आपको नज़र आएंगी। जी ये इनका लाइव तंदूर है, आपके सामने सारा कुछ तैयार होता है, ये आपका तैयार होकर बाहर आता है चीज़ नान, और ये सज्जी एरिया। और सबसे स्पेशल चीज़ जो है वो ये है कि तंदूरी चस्के का मतलब है ही ये कि तंदूर में इनका चिकन तैयार होता है, और स्पेशलिटी इनकी ये है कि तंदूर में सब कुछ तैयार करते हैं, और ये इतना लजीज था। ये चेक करें ज़रा, अग ही लाती बाबा जी। बाकी इसके बाद आप ये डालते हैं इस कटोरे के अंदर इस पूरे चिकन को, उसके ऊपर इसको मसाला लगाया जाता है, और ये आपको मसाला लाल लाल लग रहा होगा तो शायद बहुत स्पाइसी था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये इनकी एक सॉस है जो कि इसके टेस्ट को बढ़ाती है, और मैं कहता हूँ कमाल इसका टेस्ट था। आपको ये बाकी हम खाते हुए दिखाते हैं कि हाँ भाई सच में ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं, और ये जेन्युइन रिव्यू आपके सामने आएगा। फिर इसको जो है तंदूर से निकालने के बाद, सारा मसाला मसाला लगाने के बाद, इसको यहाँ पे तवे के ऊपर दोबारा से रेडी किया जाता है, इसको ढांपा जाता है ताकि जो इसका मसाला है इसके अंदर रच जाए और इसको खाने का मज़ा आए। तो लो जी पूरे एक घंटे इंतज़ार करने के बाद फाइनली फाइनली हमारा खाना आ गया है। डील के बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर दो क्वार्टर सच्ची और दो प्लेटर हैं, और ये डील सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये की, इमेजिन करें सिर्फ 2000 रुपये की। और बेहतरीन जो घंटे का सबर था ना, वो खा के ना सुकून मिल गया। बेहतरीन, और ये आया जी इनका चीज़ नान। लेयर्स चेक कीजिएगा, फुली क्रीमी चीज़ी, बहुत मज़ेदार। कोई बात नहीं, अब बाइट लेके करके तो खाओ यम्मी। ये फुली चीज़ी बाबा जी, लेमन मार्ट की, लेमन सोडे की तरह तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, फुली चीज़ी के चक्कर में ऊपर काम दल गया, बहुत मज़ेदार। क्या क्या बारिश आ गई जे, मेरे ख्याल नागो भागो भाग।
तो जी खाना खा के हम जो है इस वक्त आकर बैठ गए हैं मॉडल टाउन, और आप चेक कर सकते हैं कितनी खूबसूरत किस्म की आवाज़ है। खाना खैर बहुत अच्छा था, खाना रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड है, ज़रूर जाएं ट्राई करें। बहुत जो है इकोनॉमिकल प्राइजेज में है, ठीक है, 2000 रुपये की सिर्फ डील है, जिसके अंदर 2 सब्जी हैं। और आइए मैं जो है ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, बाकी जो है ज़ीशान भाई टेस्ट ओवरऑल कैसा लगा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, आपके पैसे टेस्ट बहुत अच्छा। हाँ इंतज़ार बहुत करना पड़ेगा आपको, वेट बहुत करना पड़ेगा, लेकिन मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। बाकी खैर असल मज़ा तो अब इस मौसम का आ रहा है। उमर भाई कुछ खाए पियेंगे मजीद के फूल? अभी थोड़ा वेट कर रहे हैं, फिर कोई शेक या कॉमिस खा रहे हैं। सिर्फ 2000 में हम 4 लोगों ने खाना खाया, फुल मतलब रज गए हैं, फुल हैवी वाला। खैर देखते हैं, बाकी स्नूकर खेलने का इरादा था हमारा लेकिन हो नहीं सका क्योंकि रश बहुत ज्यादा है। आवाम वेली मारी माशाल्लाह से, तहरी तक जागने वाली स्नूकर बुसी है और टाइम नहीं था। फिर हमने कहा चलो मौसम इतना प्यारा है क्यों ना बाहर जो है इस मौसम के अंदर बैठा जाए और मौसम को एंजॉय किया जाए, है ना ज़ीशान भाई? अब हम सिंगल बंदे हैं, मौसम एंजॉय कर सकते यार यार तू बात क्या कर गया, हंस लिया कर, तेरी मेहरबानी यार। वो भाई जब ये ऐसे करता है ये क्या कैसा लगता है आपको यार कि बाकी जितने बंदे बैठे होते हैं ना वो हंसते नहीं हंसता कोई, मैं इसको मैं कहता हूं हंसी आ जाती, मैं कहता हूं क्या किया, मैं कहता हूं मैंने कहा क्या हो रहा है, मैं बाकी तो हंसा नहीं कोई, अभी भी हंस रहा है सब मुतमईन वगैरह। इंसान को मुस्कुराना चाहिए, टेंशन दिखानी नहीं चाहिए किसी को, एग्जैक्टली लोग कौन सी वाली भाग गई है, कौन कौन सी वाली बनाएंगे, कौन कौन सी गिन बनाएंगे, जनरल बात है, इनकी बातें तो खत्म होने नहीं वाली। चलो देखते हैं क्या करते हैं, या वो लोग एंड करते हैं, कुछ दिखाते हैं देखते हैं कि हम क्या करने वाले हैं आगे। तो स्टे ट्यून रहे, हाँ जी भाई पहले मुझे लगा आगे कुछ है, मैंने ब्रेक मारी, लगा नहीं जान ठीक है। सब रिकॉर्ड हुआ है तुम्हारी, जो बच्चों वाली हरकतें ना सारी रिकॉर्ड हो गई हैं। फिर कहता मेरा ब्याह नहीं हो रहा दुआ करो, फिर कहता मेरा ब्याह नहीं हो रहा दुआ करो मेरे लिए, हैं हरकतें बच्चों वाली मुकदने को नहीं आ रही। वो वाली रील है ना, यहाँ मेरे दोस्तों के बच्चे हो रहे हैं और यहाँ पे मेरा ही बचपना खत्म नहीं हो रहा, इसका ये वाला हाल है। वेरी बैड, ओए होए ये क्या हुआ, ये तो प्रैंक नहीं हो गया? प्रॉमिस बंद हो गया यार, ये तो हमारे साथ प्रैंक हो गया। मैं तो वहां से उठ के बाकायदा जो है ये प्रॉमिस के पास आया था कि प्रॉमिस पी लिया जाए। मेरे ख्याल से अब चले प्रॉमिस बंद हो गया, नींद आ रही है चले, क्योंकि वहां से उठ के यहाँ तक आके ना वापस नहीं जाया जाएगा, बस कब चले। तो मैं भाई फिर मिले आप अपने घर को, हम अपने घर को, ओके जी लाफ है। चल यार तुम्हारी हरकत बाहर नहीं आना तुम लोगों ने, चलो निशान भाई फिर हम भी चले, चलो जी चले, चलो चलो जी चल चल ओके जी मिलते हैं हम आपको घर पहुँच जी। तो भाईजान खाना खुना खा के मौसम को एंजॉय करके घर तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यार मेरी आंखें जो है इस वक्त फुल नींद से भरी हुई हैं, लेकिन मसला ये है कि नमाज भी पढ़नी है। तो ज़ीशान भाई की हमने ड्यूटी लगा दी, ज़ीशान भाई आप तो जाग रहे हैं मेरे ख्याल से, तो आप जो हैं फिर जागे, मैं अलग हूँ सोने, मेरे ख्याल से आधा एक घंटा है अजान अभी होने में, तो आप मुझे उठा दीजिएगा ठीक है, ताकि नमाज मुझ पढ़ लें। तो हम इस चैनल
अरे यार क्या पागल पागल तो नहीं हो गया मैं, मतलब क्या बोलने जा रहा हूँ। इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करने जा रहे हैं, लेकिन 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 अगर आप लोगों को मेरा जो है व्लॉग पसंद आ रहा है तो यार उसको लाइक भी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें यार। और हाँ, एक और बात मैंने आप लोगों को बतानी है, इस व्लॉग के बाद जो अगला व्लॉग आना है मेरा इंशाल्लाह, मतलब ये लाइक संडे को अगर आपको दिख रहा है ना तो वो मंडे को दिख जाएगा। वो व्लॉग आप लोगों ने लाजमी देखना है, वो बड़ा अच्छा व्लॉग होने वाला है। एक बहुत ही छोटी छोटी उनमें माशाल्लाह मेरी जो छोटी छोटी फैंस है ना वो भी अभी रात रखते हैं। आप लोग देखना, उम्मीद है वो आप लोगों को वो व्लॉग भी अच्छा लगेगा। अगर ये व्लॉग भी अच्छा लगा है तो आप भी करें इस व्लॉग को लाइक कमेंट और शेयर, ताकि और लोगों को भी ये पहुँचे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।